हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि हम सेक्शन ए के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। जो बच्चों के डाउट जो मेल आ रहा है मेरे पास, मैं उसके बारे में ही इसमें बात करूंगी। आप में से काफ़ी बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं कि मैम हम सेक्शन ए की तैयारी कर रहे हैं, तो सेक्शन ए पढ़ते हैं तो हम उसमें जो है क्वेश्चन हम पे बनते नहीं है, हम क्वेश्चन भूल जाते हैं, हम वो चीज़ पढ़ के हम भूल जाते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है, आंसर सही नहीं आते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है सेक्शन ए में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ सेक्शन बी में ही कॉन्फिडेंस है। तो मैम आप बताइए कि हम सेक्शन ए में कैसे अच्छा स्कोर कर पाए। तो अगर आप उन बच्चों में से ही हैं जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, या आपको पता नहीं है कि सेक्शन ए में कैसे अच्छा स्कोर करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो दोनों पीजी एंड यूजी कोर्सेज के बच्चों के लिए है। तो जो भी मैं चीज़ आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। वीडियो को पॉज करके एक नोटबुक और एक पेन लेके आ सकते हैं। जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी वो सिर्फ आपको एक वीक तक करना है, एंड एक वीक तक करने के बाद आपको वापस इस वीडियो में आना है एंड आपको लिखना है कि आपने इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ आप डेफिनेटली इस मेथड से इम्प्रूव कर पाएंगे अपने सेक्शन ए के लिए। तो पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं हमें कभी भी ट्वेल्थ में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगर आप CUCET 2022 पीजी के लिए भी दे रहे हैं तो आपको यूजी में कभी भी ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है। तो ये हमारे सिलेबस से एकदम हटके चीज़ रहती है, जो हम पढ़ते हैं वो एकदम उससे हटके चीज़ रहती है। तो बच्चों को इससे वैसे ही थोड़ा सा डर लगता है, कुछ बच्चों को फोबिया होता है मैथ्स से, कह रहे हैं मैं तो मैथ्स आती नहीं है, तो इसमें तो वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी तो हम कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, जब मुझे पता है, अगर आपको पता है कि आपका सेक्शन ए वीक है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है सेक्शन ए में। मे बी वो टाइम वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, शायद आपको एक टॉपिक में 2 घंटे लग सकते हैं, किसी किसी को 3 घंटे लग सकते हैं, किसी किसी को 1 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी वीकनेस सेक्शन ए है, तो आप उस पर जल्दी ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी वीकनेस क्या है। जितना ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे। सेकेंड चीज़ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसके जो उस टाइप के ही क्वेश्चन लगा लें। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लगाने के बाद भी भूल जाएं कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था। मे बी शायद आपने इस एक टाइप का क्वेश्चन आज सॉल्व किया एंड कल आप फिर से वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बिल्कुल दिमाग ब्लर हो जाए, आपको समझ में नहीं आया कि इसको करना कैसे है। उसको करने का सिर्फ एक ही चीज़ होता है, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने टाइप के आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे सेक्शन ए में। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा आज, उस टॉपिक के 5-6 क्वेश्चन लगा लिए आपने और आप पे वो क्वेश्चन बन गए, आपको समझ में आ गए। लेकिन कल आपने फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व किया आप कुछ भी नहीं बना, आपका दिमाग एकदम ब्लर हो गया, तो आपको क्या करना है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा जो भी टॉपिक आपने कल पढ़ा हुआ है आपको फिर से रिवाइज करना है एंड फिर उसके क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि आपको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएंगी। तो बेसिक 3 स्टेप ही आपको करने हैं। एक तो पहले आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है, थर्ड आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इस चीज़ को आपको सिर्फ एक वीक तक करना है। एक वीक तक करने के बाद आप वापस इस वीडियो में आइए एंड लिखिए कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है या नहीं आया। अगर आपको एक वीक में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाता है तो आप ये चीज़ देखिए, अगर आप इस चीज़ को 2 से 3 महीने करेंगे तो आप में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कितना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड कितने आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो सेक्शन ए में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना है कि अरे मुझे ये चीज़ बनती नहीं है, मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, एग्जाम तो 2-3 महीने बाद है, मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा। 2-3 महीने बहुत होते हैं, लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी हमें ये नहीं सोचना कि यार इसके बाद क्या होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमें प्रोसेस पर ध्यान देना है कि मेरे क्या काम है। आपके डेली के 3 काम है, टाइम इन्वेस्ट करना, प्रैक्टिस करना एंड रिवीजन करना। आपको डेली ये 3 चीज़ ही करनी है, आपको कुछ भी नहीं सोचना यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।